खतरे में सांप। बच्चों कैसे हैं आप? पिछली बार आपने खतरे में सांप की कहानी सुनी। आपने जाना कि जंगल में जानवर कहाँ रहते हैं। हमने आपसे कहा था ना कि आप अपने घर के आसपास के जानवर कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, आपने उन सबके बारे में पता करा होगा। क्या आपने बकरी देखी? बकरी तो बच्चों आपने जरूर देखी होगी। तो आज मैं आपको बकरी की एक कविता सुनाऊंगी। मजे मजे में कविता। बकरी कैसे बोलती है? मैं, मैं। तो बकरी है, एक है कबरी और एक है झबरी। तो कविता का जो हमारा शीर्षक है, कबरी झबरी बकरी। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। बच्चों अभी आपने कविता सुनी और उसमें मुख्य बात क्या थी? उसमें थी तुकबंदी, जैसे कि कबरी झबरी और बकरी। ऐसे आप भी अपने एक नए शब्दों के साथ तुकबंदी बना सकते हैं, जैसे आलू कचालू भालू। और भी आप नए तरीके के कुछ शब्द जानते हैं, जैसे अपलू टपलू कपलू। इन शब्दों को आप जोड़िए और एक नई कविता अपने आप बनाइए, देखिए आपको कितना मजा आएगा। आओ कुछ बनाएं। बच्चों अब हम एक गतिविधि कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पेपर को इस तरीके से मोड़ेंगे और ऐसे क्रीज इसकी बनाएंगे। उसके बाद जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा पेपर है नीचे, उसको हम काट देंगे। ये पेपर अब हमें इस तरीके से दिखेगा। तो जो ये सबसे बीच की लाइन दिख रही है ना बच्चों, इससे ही हम इसको आधा सबसे पहले ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है? और इसके मोड़ने के बाद हम इसे एक बार और बीच में से इस तरीके से मोड़ेंगे, तो हमारा त्रिभुज ये हमने मोड़ के दिखाया कि ये हमारी बीच की लाइन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कान, डॉग जो हम कुत्ता बना रहे हैं उसके हमें कान बनेंगे। तो वो कान कैसे बनेंगे, हम इसको यहाँ इस तरीके से जोड़ेंगे, ये देखिए। ये कान बिल्कुल इस लाइन के पास आ जाने चाहिए, जैसे हमने यहाँ से मोड़ा ऐसे ही हम इधर से भी इसको मोड़ेंगे। दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर इसको मोड़ेंगे। ये दोनों तरफ से आपका मुड़ गया। अब क्या है, कुत्ते के कान बन गए हैं, अब हमें उसका बनाना है मुंह। तो मुंह बनाने के लिए जो हमारा ये नीचे की तरफ का ट्रायंगल दिख रहा है ना बच्चों, इसको हम एक, क्योंकि ये दो हैं, इसको हम एक फ्लैप को ऊपर की तरफ उठाएंगे और जहां इसको आधे तक हमें इसको ऐसे मोड़ना है, ठीक है? ये हमारा एक मुंह बना। अब इस मुंह में दो चीजें हमें करनी है, कुत्ते की नाक बनानी है और कुत्ते की आंखें बनानी है। तो उसके लिए हमें एक ब्लैक मार्कर की जरूरत है। तो कान तो हमारे ऑलरेडी बन गए हैं, अब हमें इसमें आंख बनानी है। तो आंखें बनाने के लिए हम दो गोले इस तरीके से लगाएं, जैसे ये मैंने एक गोला लगाया और ऐसे ही इधर एक गोला और बनाएंगे। तो ये दो गोले बने। अब इन दोनों गोलों में जो हमारे आई बॉल होते हैं ना, वो हम उसको थोड़ा सा भरेंगे। देखिए ये मैंने इस तरीके से भरा।
और अब इसके बाद इसका जो मुंह बनाना है वो हम इसके इस हिस्से पर देखिए हम इसको इस तरीके से ये इसका मुंह बन जाएगा। तो आपका ये कुत्ता बिल्कुल बोलने के लिए तैयार है। कैसे बोलता है कुत्ता, कोई बोल के बच्चा बताएगा साथ में कैसे बोलेगा, भौ भौ। तो ये हमने एक बहुत सुंदर गतिविधि आपके साथ सीखी। तो सभी बच्चे इस तरीके से पेपर को फोल्ड करेंगे और अपना मनपसंद कोई भी आकार का, अभी मैंने इसका मुंह बना ऐसे बनाया है, आप इसकी छोटी छोटी मूंछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको अलग अलग रंगों के साथ बनाइए। तो किसी का कुत्ता सफेद, किसी का काला, किसी का भूरा। तो हम ऐसे कुछ भी तरीके से बनाकर मजेदार गतिविधि कर सकते हैं। दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। क: एक चौकोर कागज है। ख: एक कोने को दूसरे कोने से मिलाकर मोड़ दिया गया। ग: इस चित्र में दोनों कोनों को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए दर्शाया गया है। घ: इस चित्र में दोनों कोनों को मोड़कर कान का आकार दिया गया है और बचे हुए कोने को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए दर्शाया गया है। ळ: अब अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। च: अब उस पर आंख की आकृति और नाक की आकृति बनाकर कुत्ते का चेहरा बनाया गया है। एक: एक चौकोर कागज लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़ें। दो: आपको एक तिकोना कागज मिलेगा, उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर दो छोटे तिकोनों में मोड़ें। इससे दो कान जैसे बन जाएंगे। तीन: नीचे वाले तिकोने को ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बनेगा। चार: इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखें और मुंह बना दें। कुत्ते का चेहरा तैयार है। शब्दों का खेल। आओ र पहचाने। सुनिए और बोलिए, र से क्या क्या शब्द हैं? रमा, रोटी, रानी, रेल, रसगुल्ला, रस्सी। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए। गिलहरी, बकरी, रिमझिम, गिरगिट, खरगोश। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। घ, रा, हा, ता, दी, ला, थी, ली, मि, ठा, ई, दी, गा, री, धा, ना। कहानी सुनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया,
बंदर, दौड़ना। बच्चों, आज आपने कबरी झबरी बकरी की कविता सुनी और साथ में कागज से कुत्ता बनाना सीखा। ऐसे ही आप कागज से बहुत नए नए तरीके की चीजें बना सकते हैं। तुकबंदी वाली कविताएं, कहानियां आप खुद भी बना सकते हैं। जब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी ना, तो आप मुझे नई नई कविताएं, नई नई कहानियां और तरीके से चीजें जो बनी हैं वो बनाकर दिखाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। Thank you.